हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है मजेदार टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसे कमाल का ट्रिक, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आपके फोन में क्या खराबी आप पता कर सकते हो। जैसे कि आपके फोन में टच में कहाँ खराबी, जैसे कि यहाँ पूरा डिस्प्ले है, आपके डिस्प्ले पे कहाँ टच काम नहीं कर रहा है वो भी आप पता कर सकते हो, और आपके फोन में कैमरे में क्या प्रॉब्लम है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, कि कुछ ब्लर आ रहा है, या फोटो पे कुछ यहाँ पे मतलब आपके खराबी आ रही है। आप फोटो जब खींचते हो, क्लिक करते हो, तो आपके फोन में कुछ खराबी है, फोन में यानी कि कैमरे में कुछ खराबी है वो भी आप पता कर सकते हो, स्पीकर में कुछ प्रॉब्लम है वो भी आप पता कर सकते हो। पता के करने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, ठीक भी कर सकते हो अपने ही एंड्रॉयड फोन से। आपको कहीं किसी भी यहाँ पे रिपेयर शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही बैठे ये सब सारी चीजें कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक छोटा सा काम कर देना। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दो, ऑल नोटिफिकेशन दबा दो, ताकि जब मैं नए वीडियो अपलोड करूं तो आप अपने फ्रेंड से पहले मेरी वीडियो देख सको। सो गाइस, उसके लिए एक छोटी सी एप्लीकेशन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डाउनलोड करने की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना कि उसे डाउनलोड कैसे किया जाएगा, और ध्यान से इस ट्रिक को समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यहाँ पे ओपन करोगे, तो यहाँ पे कुछ इस तरह के, जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्ट रिपेयर, जंक क्लीनर, फोन बूस्टर, फुल बूस्ट, ऐप मैनेजर, बैटरी सेवर, पावरफुल बूस्ट, और यहाँ पे परमिशन मैनेजर, और यहाँ पे आपको सीपीयू कूलर, इतनी सारी यहाँ पे आपको क्या ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमें क्या करना है, स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको टूल्स भी देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे बैकअप शेयर, डिवाइस टेस्टिंग, और यहाँ पे मिल जाता है यहाँ पे टेक्स्ट, डिवाइस इंफॉर्मेशन, बैटरी, और यहाँ पे वेजेट्स। तो यहाँ पे हम होम पे जाते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करते हैं। जैसे कि स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करोगे आप, फिर स्टार्ट रिपेयर पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट रिपेयर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको क्या क्या किया जाएगा, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको स्कैन करते हुए दिखेगा, जैसे कि सिस्टम रिपेयर, बूस्ट रिपेयरिंग, और यहाँ पे सारी चीजें क्या किया जाएगा, स्कैन किया जाएगा। तो हमें वेट कर लेना है, सारी चीजों को स्कैन होने देना है। यहाँ पे जब आपका पूरा का पूरा जो सिस्टम है यहाँ पे स्कैन हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है मैं बता दूंगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे हमने क्या किया, रिपेयर सिस्टम में क्लिक किया, तो यानी कि यहाँ पे जो है पूरा रिपेयर कर दिया, यहाँ पे सिस्टम जो है उसमें कुछ खराबी नहीं है, यहाँ पे पूरा स्कैन करके आपको दिखाया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, डिवाइस टेस्टिंग का ऑप्शन जो दिख रहा है उसे क्लिक करना है। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे आपको मिल जाता है वाईफाई, मोबाइल डाटा, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो आरजीबी स्कैनिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाता है, यहाँ पे आप स्पीकर टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक स्क्रीन टेस्ट, और यहाँ पे आपको मिल जाता है स्क्रीन टच टेस्ट, और यहाँ पे वाइब्रेशन टेस्ट, यानी कि सारी चीजें आपको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो आपके फोन की। तो हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ले लेते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे हम स्पीकर का ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्पीकर टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्पीकर क्लिक करते यहाँ पे, फिर उसका स्टार्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्पीकर का हो गया। अब यहाँ पे आपको जैसे कि ब्लैक स्क्रीन टेस्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे आप टेस्ट का ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपका स्क्रीन पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे भी व्हाइट नहीं दिखेगा। अगर कहीं पे हल्का सा भी व्हाइट दिखा तो समझ लेना कि आपका स्क्रीन का वहाँ पे प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको टेस्ट स्क्रीन का, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कहीं पे भी आप टैप करके कुछ इस तरह से टेस्ट कर सकते हो, जहाँ पे भी ये राउंड क्लोज हो जाएगा वहाँ पे आप समझ लेना कि आपके स्क्रीन का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे मेरा सही है, तो मेरा स्क्रीन का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो मेरा न्यू फोन है, तो मेरे फोन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपका फोन अगर जूना है और आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से सिंपली उसे टेस्ट कर सकते हो, और यहाँ पे आपको बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप बैटरी का टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से आप बैटरी का भी टेस्ट कर सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे आपको मिल जाता है टास्क मैनेजर मिल जाता है, यहाँ से आप उसका भी कुछ यहाँ पे आपको करना है रिपेयर सिस्टम वगैरह, तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पे डिवाइस सिस्टम में भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको पता ही है, आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी एप्लीकेशन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनते ना लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए एप्लीकेशन और नए ट्रिक के साथ।